सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब मेरे वीडियो को क्लिक किया, मेरे थंबनेल मेरा टाइटल देखकर, जी हाँ दोस्तों, मलेशिया में अभी आप लोग आना है तो बहुत ही ज्यादा जॉब का रिक्वायरमेंट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में बता दोगे किसकी जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा मलेशिया में आने वाली है, ताकि आप लोग पॉलिसी रेडी रहो। ठीक है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन चारों कंट्री से देख रहे हो, तो आप लोग किस किस जॉब में मलेशिया में अभी आ सकते हो, ठीक है, किस किस जॉब का वर्कर बहुत ही ज्यादा आएंगे मलेशिया के अंदर, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में बता देंगे, ताकि आप लोग पॉलिसी रेडी रहो, क्योंकि ये बहुत ही गुड न्यूज आया है मलेशिया के अंदर से। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया का ऑफिशियल न्यूज पे एक अपडेट किया गया है, जो कि आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर में कौन सा न्यूज है, किस किस काम में वर्कर अभी मलेशिया में आएंगे। ठीक है, और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि आप ही लोग मेरे वीडियो पर बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या फिर से मलेशिया का जो कॉलिंग वीजा है क्या फिर से बंद कर दिया गया है क्या, कि चालू है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर लोग अपडेट दे रहे हैं क्या मलेशिया के कॉलिंग वीजा फिर से बंद हो गया है। तो इस पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर में ऑफिशियल मलेशिया का जो वीजा है चालू है कि बंद है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहला बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मलेशिया के जो लोग भी सोच रहे हैं कि कॉलिंग वीजा बंद कर दिया गया, वर्क वीजा बंद कर दिया गया है नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन चारों कंट्री का, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां से आप लोग न्यूज देखो, जहां से आप लोग न्यूज चीज मिला है कि मलेशिया के वर्क वीजा को बंद कर दिया गया, तो न्यूज फेक न्यूज है। अभी मलेशिया कैसे कोई ऑफिशियल कहीं पे नहीं आया है कि मलेशिया का वर्क वीजा बंद कर दिया गया है। ठीक है, मलेशिया का वर्क वीजा भी चालू है, लेकिन जिनका जिनके पास कोटा है, जिनका जिनका पहले कोविड का पहले जिनका जिनका कोटा था, जिसके जिसके कंपनी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत ज्यादा परमिट लग गया था, और उन लोग का वर्कर नहीं आया था मलेशिया के अंदर, उन्हीं लोग का वीजा भी जा रहा है। ठीक है, कंपनी से, ठीक है, जिस जिस कंपनी का अलाउ हो गया था, ठीक है, वीजा उसी कंपनी का भी वीजा जा रहे हैं मलेशिया से। और आप लोग नए मेडिकल कराए हो मलेशिया के लिए किसी भी काम के लिए, तो आप लोग का वीजा जाने में इसीलिए लेट हो रहा है। ठीक है, जिसका जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों का वीजा अभी क्लियर हो रहा है। मैं आप लोग को पहले भी एक वीडियो में बताया था, जिन लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों का वीजा अभी क्लियर किया जा रहा है, और भी बहुत ही स्लो प्रोसेस किया जा रहा है, उसके बाद ही आप लोग का नंबर आएगा, तो इसीलिए अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है मलेशिया के वीजा जाने में आप लोगों का। ठीक है, अभी आप लोग मेडिकल कराकर बैठे हो 90 दिन, 40 दिन, 50 दिन, किसी किसी का डेट भी एक्सपायर भी कर गया है, तो दोस्तों आप लोग इसीलिए वीजा में जाने में लेट हो रहा है। जिनका जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका वीजा अभी मलेशिया से जा रहा है, आप लोग को इसलिए टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए बात आते हैं अब इस टॉपिक पे कि मलेशिया में आखिर में किस किस काम में रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, मलेशिया में देखिए, मलेशिया में यहाँ पे ऑफिशियल कल न्यूज आया था कि मलेशिया के जो भी सड़क है, जो भी सड़क है, जो भी रास्ता है, मतलब मलेशिया में 70% रास्ता का काम अभी होगा, मतलब 70% जो रास्ता है उसको अभी मतलब फिर से रिपेयरिंग किया जाएगा। तो इसके लिए मलेशिया में बहुत ही ज्यादा वर्कर अभी आएंगे। ठीक है, रिपेयरिंग का काम होगा मलेशिया के अंदर में, 70% रिपेयरिंग रोड होगा, 70% रिपेयरिंग रोड होगा, तो इसमें बहुत ही ज्यादा वर्कर अभी आएंगे, इंडिया से भी आएंगे, बांग्लादेश से भी आएंगे, नेपाल से भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आएंगे। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्शन लाइन का वीजा बहुत ही ज्यादा लगने वाला है, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सभी कंट्री के लिए ये चीज लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के वीजा बहुत ही ज्यादा लगने वाला है मलेशिया के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग मलेशिया में आना चाहते हो कंस्ट्रक्शन काम में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन काम में अगर आप लोग आना चाहते हो, मतलब आप लोग काम करते हो, घर बनाने का काम करते हो, चाहे रोड बनाने का काम करते हो, चाहे कुछ भी काम करते हो आप लोग, तो आप लोग मलेशिया में भी आने के लिए रेडी रहिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, तो उसकी मैं एक फुल वीडियो बनाया हूँ, आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, किस किस ऑफिस से आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग मलेशिया में आ सकते हो उन सब कामों के लिए। ठीक है, अभी ये ऑफिशियल घोषणा किया गया है दोस्तों, अभी ऑफिशियल घोषणा किया गया कि मलेशिया में 70% रोड को रिपेयरिंग किया जाएगा, और जैसे ही घोषणा मतलब पास हो जाएगा उसके बाद वर्कर अभी मलेशिया में आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही अनाउंस किया जाएगा कि मलेशिया में वर्कर आएंगे, कितना हजार आएंगे, कितना लाख आएंगे, वो चीज आप लोग को आगे मैं अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, क्योंकि जो भी मलेशिया में न्यूज निकल के आती है मैं आप सबको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, जो कि सबसे पहले अपडेट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं आप लोग यहाँ पे जो भी वर्कर रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं, चाहे कैसे उन लोग का रूम होता है, कैसे फैसिलिटी, वो सब भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं, और साथ ही मैं आप लोगों को वीजा की भी जानकारी देता हूं, साथ ही मैं आप लोगों को जो भी न्यूज आता है उसको भी अपडेट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो जितना हो सके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस आप लोगों को दो ही अपडेट देने वाले थे कि मलेशिया का जो कॉलिंग वीजा है, जहां दोस्तों कॉलिंग वीजा, वर्क वीजा जो भी है अभी बंद नहीं किया गया, ऐसा कोई भी अभी ऑफिशियल यहां पे कोई न्यूज नहीं आया निकल के, जैसे न्यूज आएगा कि बंद हो गया है तो दोस्तों मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। साथ ही मैं आप लोग को ये तो अपडेट मिल गया कि दोस्तों अभी मलेशिया में जो भी सड़क है, सड़क को अभी रिपेयरिंग का काम चलेगा। ठीक है, ऑफिशियल आप लोग न्यूज भी इधर दिख रहा होगा मेरे वीडियो के ऊपर में, तो दोस्तों ऐसा अगर सड़क बनेगा, ठीक है, सड़क रिपेयरिंग काम होगा तो उसमें वर्कर तो आएंगे, क्योंकि यहाँ का तो वर्कर से काम उतना होगा नहीं, तो इसके लिए बाहर देश से बुलाया जाएगा। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बाहर देश का वर्कर आएंगे, तो दोस्तों बाहर देश का वर्कर आएंगे तो किस किस देश के वर्कर आएंगे, कितना वर्कर आएंगे, वो सब चीज भी आगे आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा, आगे मैं आप लोग को वीडियो में मतलब बता दूंगा। ठीक है, अपडेट करते रहूंगा, ठीक है, रहूंगा। तो दोस्तों आप लोग रहिए बस इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं किसी आने वाले नए अपडेट के साथ, किसी नए जानकारी के साथ, किसी नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।